हेलो दोस्तों, मेरे फ्रेंड को बहुत दिन से बोलना चाहता था कि मैं इधर रहता हूँ चम्बू स्टेशन के इधर, और पैसा नहीं है। इसकी वजह से मैं ये यहाँ का चम्बू स्टेशन के फ्रेंड और मेरा दूसरा पहला तीसरा फ्रेंड से बात नहीं किया। तो पैसे महीने का 15,000 आता था, तो 15,000 में ऐसा एक दो बार सब काम में खर्चा हो जाता था। छोटा छोटा गाँव में मंदिर बनाने का 10,000, फिर ये वो लंच करने जाने के लिए वो बुला रहे थे मेरे गर्लफ्रेंड फ्रेंड जो स्कूल के बाजू में है, वो दिखती है एकदम आयशा राय की जैसे छोटी सी, तो उसको बुलाने का है। तो उसको दोस्तों ये गर्लफ्रेंड को टिफिन लंच पेल बुलाने का था और उसको मिल रही नहीं है, तो यूट्यूब देखेगी तो मेरा, इसलिए चलो एक दिन अपन बैठ के नाश्ता खाएंगे। मेरे को शादी करना है जल्दी, बहुत जल्दी शादी करना है, इसलिए अपन फ्रेंड जैसा रहेंगे और हमारे शादी पे आएंगे सब लोग। लड़की ढूंढ रहे हम लोग, दो तीन लड़की को देखा है, वो महाराष्ट्रीयन लड़की को जो है सुभाष नगर में भी एक लड़की है वो भी देखी है, उसे भी बात करके लंच पे लेके जाना है, सब कुछ करना है। और ये चम्बू स्टेशन के इधर नीचे पीछे, हेलो दोस्तों, इधर मैं रहता था, ये झोपड़पट्टी दिखा है उधर जो आता है वो इधर रहता था ये बिल्डिंग के बाजू में। तो इधर एक लड़की है, वो इधर बहुत दिन से देखती है, लेकिन घर पे बुलाती नहीं। दो तीन बार मीट हुआ लेकिन बात करने खिचखिच होता है, मतलब बहुत लड़की से बात नहीं करता है ना मैं, ज़्यादा करता हूँ मम्मी से और बहन से बात करता, और गर्लफ्रेंड से ऐसा बात किया नहीं। तो वो देखती आती है, उसका भी लड़का है लगता है, फ्रेंड है, लेकिन दोस्ती बना के रखा है मेरे से, वो बात करना चाहती है। इसलिए अगर ये वीडियो देखे तो तू मेरा इधर वीडियो देखे सुन, और आज आप लंच पे जाएंगे, डिनर करेंगे सब जन बैठ के, तीन जन बैठ के बात करके, फ्रेंड्स या फ्रेंड रहेंगे, शादी करना है तो शादी करेंगे। ओके, अभी हमारा गांव में जत्रा है, तो जल्दी से जत्रा भी जाना है, अगले 1 तारीख को जाने वाला है, जो आने वाला 1 तारीख को जाने वाला है। इसलिए दोस्तों जल्दी से मिलो, मेरा यूट्यूब मिलो तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए।